थोड़ा कठिन काम है। मैं राधेश्याम भारती जहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ बिना किसी तमहीद के, बिना किसी भूमिका के माइक तक आवे, आपकी जोरदार तालियां ही इन्हें उठा सकती है, वरना कसम खा के बता रहा हूँ भगवान भी नहीं उठाने। साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूं। और देखिए, मैं मक्खनबाजी करने का आदि नहीं हूं, एकदम सच बता रहा हूं कि बनारस जब आता हूं तो जो ये मस्ती है ना, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। क्या बात, आप अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। आप जैसे खुले मन के लोग जहां जिस महफिल में होते हैं साहब, वो महफिल महफिल नहीं रहती, स्वर्ग बन जाती है। आप सभी स्वर्गवासियों को प्रणाम। क्या बात, वाह वाह वाह। सुनिएगा कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। वाह, माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ, राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती। वाह वाह, माँ छाल के मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देखकर मेरा उदास होने लगती थी, झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। मैं जानता हूँ बनारस को, खूब अच्छी तरह जानता हूँ। राजेंद्र घाट पर जो महामूर्ख मेला होता है, दमदार जी बैठे हैं यहाँ, धर्मशील चतुर्वेदी जी की के संचालन में 5 साल लगातार मुझे बुलाया गया, तो बनारस का बाबा विश्वनाथ का की बड़ी कृपा है, ऋण है मेरे ऊपर। मित्रों, यही जीवन है जो इस समय आप जी रहे हैं, खा कमा तो जिसका जो काम है वो कर ही रहे हैं, लेकिन यही जिंदगी है, इस महफिल में आनंद ले लिया करिए। हालांकि भैया थोड़ा सा दीजिएगा माहौल, आज बहुत कुछ सुनाने की इच्छा है, 3 साल के बाद बनारस आया हूं, और आप सुनेंगे सुनेंगे, एकदम निश्चित है कि सुनेंगे, बस जैसे आप सुन रहे हैं तो सुनेंगे। पूरी भड़ास निकाल लीजिए। अरे भड़ास क्या निकालें, आते ही दमदार बुला तो लेंगे, लेकिन इनके जैसे नौजवान ये बाल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, आप लोग बताइए क्या ऐसे हम पैदा हुए तो तब भी ऐसे है? ये कौन सी बात हुई भाई, हम भी ऐसे थे दमदार, देख करके हंसा करते हो यार। अब क्या बचा है, अब तो सब सफेद हो गया है गुरु। कि वक्त है जिसने तुम्हें यू रूपवंती कर दिया। क्या बात है, ये वक्त है जिसने तुम्हें यू रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखिए कि जाने कितनों को इसी ने किम बदंती कर दिया। वाह वाह, वक्त है जिसने तुम्हें यू रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किम बदंती कर दिया, देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती। हर हर महादेव, वक्त का खेल है साहब। आज जज साहबान हमारे मंच पर बैठे हैं, आप लोग अभी मैं देख रहा था क्या क्या उपाधियां दी गई हैं सबको, वाह, आप की उन उपाधियों से लग रहा था कि बड़ा सम्मान करते हैं उनका, आप लोग न्यायाधीश महोदय हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मेहनत किया है उन्होंने तब इस पद पर आए हैं, आप लोग इज्जत करते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि वो इस पद पर मेहनत करके आए तो कोई बहुत बड़ी समझदारी का काम नहीं की। नहीं, अभी कहां समझ में आया, समझा रहा हूं कि जो छेद करते नाव में वो पार हो जाते। वाह,
संयम से जो रहते हैं वो बीमार हो जाते हैं। क्या बात है, पूरे देश का चलन उलट गया है साहब। इसलिए जज साहबान सुनिएगा कि जो छेद करते नाव में वो पार हो जाते, संयम से जो रहते हैं वो बीमार हो जाते। अरे पढ़ लिख के इतने क्या हुए, सरकार के नौकर अनपढ़ आवारा होते तो सरकार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 हर महादेव। बैठ बैठ, माल ज्यादा है, रिपीट करेंगे तो बहुत देर होगी। बस मस्ती से सुनते रहिए, इसीलिए मैंने कहा यही जीवन है, नहीं तो व्यस्तताओं में हर आदमी है, हर आदमी व्यस्तताओं में है। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती, ये व्यस्तता से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कुछ खुले मन से ऐसे भी रहा करिए कि साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती, बीबी है घर गृहस्थ हैं, लड़के भी चार हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं मिलती। जिंदाबाद हर हर महादेव। बस शांति बनाए रखिएगा। आदरणीय सबीना जी, पूरे देश में जो भी हमारे शायर हैं, कवि हैं, सब में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, और आधा समय हिंदुस्तान में रहती हैं, आधा समय एब्रोड में जाती हैं। एक बार मैं चाहता हूं सबीना जी के लिए बढ़िया काव्य पाठ किया, उन्होंने ताली बजा दी। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम लोग बहुत पहले का इसे तमाशेबाज हैं साहब, आज के नहीं है, हम सभी लोग सही बता रहा हूं। हाँ, बड़े पुराने पापी हैं हम लोग। देखिए, त्रेता में भगवान राम हुए, राम जी ने, कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा नहीं कि राम जी ने अपनी सेना में भालू बंदरों को भर्ती किया, एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया। दूरदर्शी थे वो, हाँ वो जानते थे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। अच्छा, लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती, कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन बांधते गठरी, सब फरार हो। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। हम लोग तब से ही ऐसे हैं साहब, हाँ, और दिखावा चारों तरफ है। शंकर पड़े अंदर हैं अंधेरा लपेट कर, शंकर कहीं मंदिर पर आप देखिए, शंकर पड़े अंदर हैं अंधेरा लपेट कर, लिखा है नाम सेठ का मंदिर के गेट पर। अब जिसके जिसकी नेम प्लेट लगी हो, मकान तो उसका हुआ ना, इसलिए कह रहा हूं कि शंकर पड़े अंदर हैं अंधेरा लपेट कर, लिखा है नाम सेठ का मंदिर के गेट पर, शंकर जी दिखें या न दिखें किसको क्या पड़ी, फोकस लगा है दानी जी के नेम प्लेट पर। वाह, और हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति कैसी हो गई है कि कोई न हो तो एक लोटा जल ही डाल के, लोटे में जल लेके गए, मंदिर में कोई नहीं है, जल डाला बस समाप्त पूजा, कोई न हो, कोई न हो तो एक लोटा जल ही डाल के, हो भीड़ तो श्लोक पढ़े क्या कमाल के, महिलाएं जब दिखें तब भजन भाव देखिए, ऐसा लगे रख देंगे कलेजा निकाल। क्या बात है, वाह 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 वाह। समय की अपनी सीमा है,
आप लोग आनंद ले रहे हैं लेकिन लगभग लगभग सब लोग शादीशुदा हैं यहाँ। आप भी हैं का? हमारी भी एक हो गई है। अच्छा चलिए आप जो मूड बना रहे हैं उधर ही आता हूं। तो जिसकी जिसकी हो गई है साहब सब परेशान हैं, वो इशारा कर रहे हैं दमदार जी। अब ठीक है वो बुलाए हैं तो उनकी बात माननी, एटीएम वही है हमारे ना, क्या करेंगे। देखिए साहब आप अधिवक्तागण हैं, न्यायाधीश साहबान हमारे मंच पर हैं, अब इससे बढ़िया जगह नहीं होगी। मेरी एक अपील है, देखिए कोई सरकार आती है थोड़ा सा माहौल दीजिए। एक तो वैसे ही इतनी ज्यादा गर्मी है, अब गर्मी उतरी नहीं अभी, अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उतरेगी, धैर्य रखिएगा, अभी कहीं से उतर जाए भाई। तो मैं कह रहा था कि अभी महिला दिवस 8 मार्च को गया है, पुरुष दिवस भी होता है क्या? हाँ, ये सबीना जी के लिए, प्रीति पांडे जी के लिए, इनके लिए दिवस है। हाँ, हम मर्दों के लिए कोई दिवस नहीं है। बताइए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सत्ता शासन आए, इन्हीं के पक्ष में कोई न कोई इनको मजबूत करने के लिए कानून बनाता है। मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया साहब कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि इनके आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं सिर्फ व्यथा। अच्छा तो का मस्ती है पुरुष जीवन की कथा, नारी ने दुख पाया इसका मतलब पुरुष ने सताया हमारी व्यथा। न्यायाधीश महोदय आप लोग आगे तक पहुंचाइए, नारी ने दुख पाया इसका मतलब है कि पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो इस मंच से कसम खा के कह रहा हूं मैंने नहीं सताया साहब, नहीं नहीं एकदम कसम खा रहा हूं मैंने नहीं सताया। अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप बीती सुना रहा हूं कविता ना समझिए, विदाई के समय रो रही थी, सही कह रहा हूं, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। मैं कसम खाकर कह रहा हूं कभी उससे नजर मिलाकर मैंने बात नहीं की। हाँ, बड़े अदब से उसको हमेशा निहारता हूं, उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगे, फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीबी को शादी में बाएं बैठा दें चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों याद रखना, यह कुंवारेपन की सारी मौज मस्ती छूट जाती है, आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं नहीं सही कह रहा हूं, पढ़ी लिखी है साहब। हाँ पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे बिला नागा रामायण पढ़ती है। हाँ दिन भर महाभारत करती, जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं बेईमानी करूं कहीं से लाऊं लाकर रख दूं हाथ पर गड्डी तो चहकने लगती है, प्यार का ओवर फ्लो सैया सैया की जगह भैया भैया कहने। अच्छा जिस दिन नहीं पाती पैसा ऐसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा, कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा।
मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। हाँ खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं जब देखता हूं उसकी भौं तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे दो दांत टूट गए। रोटी हाँ साहब रोटी कड़ी थी दो दांत नहीं, कड़ी रोटी खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई, उसी दिन से मुझको दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूं, वो एक शब्द बोलते मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता। मैंने दो दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, दो दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले दो गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता है। अच्छा चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं कि चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती है उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, जी हाँ खींच रहा हूं ट्राली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। वाह 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 वाह, कि हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे सात जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है, मियां बीबी से लड़ता है, बीबी मियां से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत।